मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब 20 फरवरी को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी बयान से नाराज होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसी मामले में 27 नवंबर को कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था। लगातार दो पेशी तक न ही इस मामले में राहुल गांधी पेश हुए न ही उनके अधिवक्ता। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, लिहाजा राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। समय से जानकारी न मिलने और कम समय होने के कारण वो पेश नहीं हो सके, लिहाजा अब 20 फरवरी को पेश होकर अपनी जमानत करा सके, इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। इसके साथ ही राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कहा कि परिवाद की नकल भी दिलाई जाए ताकि वे आपत्ति दाखिल कर सके। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। और पटना न्यायालय के आदेश से आदरणीय राहुल जी आएंगे, अपनी जमानत कराएंगे और मुकदमा जो है आगे परीक्षण हेतु न्यायालय में। नहीं, वैसे क्या हो सकता है जैसे इसमें जो मानहानि कर की है, क्या कुछ संभावना है? ये मामला जो है साक्ष्य पर आधारित है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बाकी प्रथम दृष्टया देखने पर मामला जो है वो आधारहीन है और निराधार है। राहुल गांधी की तलबी आज माननीय न्यायालय ने उनको सम्मन भेजा था और वो आज माननीय न्यायालय के समक्ष थ्रू काउंसिल उपस्थित हुए, उनके वकील अपना वकालतनामा लगाए और उन्होंने दो प्रार्थना पत्र दिया। एक तो उन्होंने टाइम लिया माननीय न्यायालय से कि चूंकि पूर्ववत कार्यक्रम था उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसलिए वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं आ पा रहे हैं, और एक प्रार्थना पत्र उन्होंने परिवार की प्रति दिलाने के लिए दिया जो उनको रिसीव करा दिया गया है। तो माननीय न्यायालय ने और हमारी तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ी थी कि उनको जरिए BW तलब किया जाए और थ्रू सुपीरियर अथॉरिटी DGP के द्वारा उसका तामीला कराया जाए, लेकिन चूंकि वो उपस्थित आ गए थ्रू काउंसिल तो माननीय न्यायालय ने 20 फरवरी की तिथि नियत किया है, 20 फरवरी को उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।